करती हूँ आपका एपी 100 टीवी लाइव, आपका प्रदेश आपकी आवाज पे। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा और बड़ी खबर। दिनांक 16 जून 2023 को थाना हाफिजपुर पुलिस ने राजकुमार हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए एक महिला अभियुक्ता सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल डंडे, मृतक का पर्स, क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन, 21,250 रुपए नगदी व एक माइक भी बरामद की गई है, जो भी इस घटनाक्रम में प्रयुक्त किए गए थे। बाइक भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार अभियुक्त सुशील द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी से अवैध संबंध के शक में की थी राजकुमार की हत्या। संवाददाता आलम जायगर की खास रिपोर्ट। एक घटना का प्रमुख क्या है, क्या ये मामला? देखिए, 14 तारीख को शाम को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव अब्दुल्लापुर मोड़ी के जंगलों में है, पड़ा हुआ है। वहाँ पे तुरंत हमारी फॉरेंसिक टीम, थाना प्रभारी और सारी टीमें वहाँ मौके पे पहुँची और उस शव की पहचान राजकुमार के नाम के शख्स की हुई, जो कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ही गांव का एक रहने वाला है। फिर पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई, उसमें कई लोगों से पूछताछ हुई, कई वार्ता हुई और पूछताछ के उपरांत ये पाया गया कि जो ये राजकुमार है, इनका अपने ही गांव के रहने वाले एक दूसरे जो सुशील नाम के व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ के साथ इनके संबंध हो गए थे, संबंध बन गए थे और इनकी वाइफ पूनम इनके साथ रहना शुरू कर दी थी। इसको ये लोग रंजिश मानते थे और रंजिश के कारण ही इन्होंने इसकी इसको बुला के बहाने से हत्या कर दी। घटनाक्रम में ऐसा हुआ था कि जो मृतक राजकुमार है, उसके कुछ पैसे विवेक और हेमलता पे बकाया थे, लगभग 3 लाख रुपए। इसको लेने के लिए उसने उस दिन विवेक और हेमलता को कॉल किया। इन लोगों ने उसको धोखे से वहाँ पे बुला लिया और 20,000 रुपए भी दिए, लेकिन उसके बाद उसी समय वहाँ मौके पे ये राजू, आकाश, भूरा, सुशील ये सब आ गए और उसको अपने कब्जे में ले जा करके अब्दुल्लापुर मोड़ी के पास जंगलों में लाठी से मार मार के पीट करके उसको वहाँ पे मृत अवस्था में छोड़ करके वहाँ से भाग गए। पूरे घटनाक्रम का अनावरण 2 दिवस के अंदर अंदर हमारी हाफिजपुर थाना टीम ने किया है, जिसमें घटना में प्रयुक्त जो लाठी डंडे हैं वह बरामद हुए हैं, मृतक को जो इन्होंने 20,000 रुपए दिए थे वह बरामद हुए हैं, मृतक की बाइक बरामद हुई है मौके से और सभी प्रकार की बरामदगी एवं जो इसमें लगभग अभी तक 6 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और 1 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहा है, जिसके लिए दबिश दी जा रही है।